आखिर इस नेट ने कैसे इन बेबी फिशेस की जान बचाया? जैसे कि आप सबको पता है, हमारा स्नोबॉल प्रेग्नेंट था, लेकिन मेन टैंक में बड़े फिशेस होने की वजह से मुझे इसे अलग रखना होगा। लेकिन एक्स्ट्रा टैंक ना होने के कारण मैंने डिसाइड किया इसे कुछ जुगाड़ लगा के डिलीवरी टैंक में ही रखा जाए, पर ये बहुत मुश्किल होने वाला है। और तभी मुझे आइडिया आया और मैंने ये बनाया। लेकिन आप पूछेंगे ये काम कैसे करेगा? जैसा कि आप जानते हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं और स्नोबॉल उनसे बहुत बड़ा है। अगर मैं स्नोबॉल को नेट के अंदर रखूं, तो फिर बच्चे आराम से बाहर घूम सकते हैं। देखते हैं ये प्लान काम करता है या नहीं। फटाफट नेट निकाल के स्नोबॉल को पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन इसे पकड़ना यानी कि बिना पड़े यूपीएससी निकालना बहुत मुश्किल। कुछ देर ट्राई करने पर ये पकड़ में आती है और सीधा टैंक में जाती है। अब देखना होगा क्या हमारा प्लान काम करेगा।